सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में आपके लिए मैं खलीफा नान कताई की रेसिपी लेके आई हूँ। लाहौर की ये बहुत ही फेमस नान कताई है। इसे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम खस्ता और एकदम बढ़िया, मुंह में जाते ही घुलने वाली है। वैसे तो मैंने काफ़ी अलग अलग फ्लेवर की आपके साथ नान कताई की रेसिपीज़ बेकिंग क्लास में शेयर की, आप सबने वो बहुत ज़्यादा पसंद की है, तो आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए ये मज़ेदार सी नान कताई बनाते हैं, आप ज़रूर से इसे ट्राई करना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप यहाँ पे मेल्ट किया हुआ घी ले लेंगे, लेकिन घी यहाँ पे मेल्ट करके इस्तेमाल करना है, लेकिन बिल्कुल वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि गर्म नहीं होना चाहिए। आधा कप इसमें पाउडर शुगर भी डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हम इसमें यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल देंगे। ध्यान रखें, घी को आप मेल्ट कर रहे हैं, उसके बाद ठंडा हो जाए फिर ही इस्तेमाल करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को एक मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए और एकदम बढ़िया से चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। तो बस एक मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम यहाँ पे डेढ़ कप मैदा डाल देंगे। ग्राम्स में देखें तो 185 ग्राम ही हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे को मैंने पहले से छान के यहाँ पे रखा था। एक टेबल स्पून ही इसमें हम यहाँ पे बेसन डाल देंगे, एक टेबल स्पून ही इसमें बारीक वाला सूजी डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ 2 पिंच के जितना नमक डाल देंगे। नमक ज़रूर से ऐड कीजिए, जो नान कताई है उसके जो फ्लेवर है उनको बैलेंस करता है और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है नान कताई का। इसी के साथ इसमें खूब सारे बादाम डालेंगे, तो लगभग 1/4 कप मैंने इसमें बादाम डाला है। इसके ना हर बाइट में आपको एकदम बढ़िया से बादाम मिलेगा। ये नान कताई में ज़रूर से बादाम डाला जाता है और थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में बादाम को आप चॉप करें और इस तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया सा डो लगा लेंगे। नान कताई बनाते टाइम कभी भी दूध का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसमें बिल्कुल दूध इस्तेमाल नहीं होता है। ज़रूरत लगती है तो 1-2 टेबलस्पून आप घी और डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे तो बढ़िया से आपका यहाँ पे ये डो तैयार हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया डो बन के हमारा तैयार है। अब इसमें से हम यहाँ पे नान कताई बना लेंगे। तो इसकी जो नान कताई होती है उसका कोई एकदम ऐसे प्रॉपर शेप नहीं होता है, थोड़ी सी ये रफ शेप में ही होती है कुछ इस तरीके से, और थोड़ी सी थिक होती है और बड़ी बड़ी साइज़ की होती है नान कताई। तो बहुत ज़्यादा ऐसे शेप देने की ज़रूरत नहीं, एकदम ऐसे रफ साइज़ का शेप हम बनाएंगे और बढ़िया से इस तरीके से सारी नान कताई को बना के तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी नान कताई बना के तैयार कर ली है। नान कताई सारी मैंने बेकिंग ट्रे में यहाँ पे रख दी है। अब यहाँ पे एक एग ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो एग का येलो पार्ट होता है वही लिया है और इसमें थोड़ा सा 1 पिंच के जितना येलो फूड कलर डालेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच के जितना हम इसमें यहाँ पे दूध डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये स्टेप करना इस वाली नान कताई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से जो उसका फ्लेवर है और उसके ऊपर का जो ये कलर आएगा, एकदम बढ़िया सा टेक्सचर आएगा, इसी से आएगा। इस नान कताई को इसी तरीके से बनाया जाता है। तो इस मिक्सचर को हम अच्छे से इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। नान कताई के ऊपर अच्छे से आपको क्या करना है, इस तरीके से ये एग वॉश कर लेना है अच्छे से इसके ऊपर। थोड़े से फिर चॉप किए हुए बादाम और ऊपर से हम लगा देंगे ताकि नान कताई अच्छी लगे दिखने में बेक होने के बाद। तो बढ़िया से हमारी ये ट्रे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 18 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार नान कताई बेक होकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। लो फ्लेम पे 20 से 22 मिनट में आपकी नान कताई बेक होकर तैयार हो जाएगी। तो बढ़िया से 18 मिनट में हमारी ये नान कताई बेक होकर तैयार है। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, फिर आप इसे वायरेक पे निकाल के अच्छे से बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा कर लें। क्रैक्स देख सकते हैं नान कताई में कितने बढ़िया तरीके से आए हैं। ऊपर से जो हमने एग वॉश किया था उसकी वजह से इतना अच्छा सा टेक्स्चर आया है, ऊपर से कलर आया है, आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार नान कताई ये बन के तैयार होती है। इसका लुक आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल नान कताई होती है उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है टेस्ट में। ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। इसका अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता है। ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। रेसिपी ट्राई करते तो फोटोज हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर से बताइए।